आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने अवचेतन मन से अपने लिए लाभ कैसे ले सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बारे में बता रहे हैं कि आपके अवचेतन मन को अपने लाभ के लिए काम करने के लिए प्रेरित करे, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन में हमारे प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन बस आपको उसको समझना होगा। डॉक्टर मर्फी बोलते हैं कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर कार्रवाई करें या ना करें। वह आपके शरीर का निर्माण करता है, जिसे आप बाहरी रूप से देख नहीं सकते हैं, बस उसे आंतरिक रूप से महसूस कर सकते हैं। आपका काम आपके कॉन्शियस माइंड से है, यानी कि सचेत मन से है, ना कि आपके अवचेतन मन से। बस आपको अपने कॉन्शियस माइंड को अपने जीवन में सबसे अच्छे की उम्मीद के साथ व्यस्त रखें और ये सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा आदत से सोचे जाने वाले विचार सुंदर, सच और अच्छी खबरों पर आधारित है। वे ये भी कहते हैं कि आपके अवचेतन मन को ऐसे मान ले कि यह हमेशा आपके सोचने के अनुसार प्रकट हो रहा है और आपकी आदतों के अनुसार नकल कर रहा है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे एक जल पाइप के रूप में बहता है, जैसा आकार पाइप का है जल भी वैसे ही आकार बना लेता है। वैसे ही आप में जीवन सिद्धांत आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार आप में बहता है, मतलब एक बचपन से आपके भीतर जो विचार है उसी सिद्धांतों के अनुसार आप अपने जीवन में जीते हैं। बस आपको यहाँ पर एक काम करना है कि आपको दावा करना है कि आपके अवचेतन मन में उपस्थित जितने भी विचार है वे आपके माध्यम से ही सुख, स्वास्थ्य, शांति, खुशी और समृद्धि के रूप में बह रहा है। यानी कि आपको अपने अवचेतन मन को अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड के रूप में सोचना है, जो आपके मार्ग में हमेशा साथ है और वो आपके माध्यम से हमेशा बह रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है, समृद्धि प्रदान कर रहा है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो यह बिल्कुल ऐसे ही प्रतिक्रिया देगा। यह आपके विश्वास के अनुसार होता है। जब हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के विचारों को लाइफ में प्रैक्टिकली समझते हैं तो यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जैसे आपके भीतर एक सकारात्मक सोच और सफलता की भावना उत्पन्न होती है। आपकी सोच आपके कार्यों को प्रभावित कर सकती है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक रूप से सोचते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उन लक्ष्यों की ओर खींचने का काम करता है। मतलब आपका अवचेतन मन ही आपको इंस्पायर करता है कि आप उस काम को करो। जिस तरह मैंने बताया सकारात्मक सोच और सफलता, ठीक उसी तरह आपके जीवन में स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास भी करता है। जब आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक मानसिकता रखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे बनाए रखने के लिए काम करता है। यह आपको स्वास्थ्यपूर्ण और सकारात्मक दिशा में गाइड कर सकता है। और तीसरा, जब आपके भीतर सकारात्मक सोच और सफलता की भावना आती है और आपके भीतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास भी होता है, तब आपके अंदर सकारात्मक मनोबल डेवलप होता है। और ये सकारात्मक मनोबल उसी वक्त होता है जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। आपके सकारात्मक मानसिकता और आत्मविश्वास आपको मानसिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि आपको कठिनाइयों को पार करने में मदद मिलती है। देखिए, पैसे कमाने के लिए सकारात्मक सोचना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने साथ सकारात्मक भावनाओं को लेकर काम करते हैं तो आपका मन आपके पैसे कमाने के लक्ष्य की ओर प्रेरित होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप भीतर से और अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके पैसे कमाने की क्षमता आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर कर सकती है। सकारात्मक मानसिकता आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है और आपका व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित कर सकती है, जिससे कि आपके पैसे कमाने का साहस बढ़ता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत सारे चीज बताए हैं, जिसे जानने से आप अपने आप को जीवन में सफलता और अधिक पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं। आइए इन कुछ पॉइंट्स को समझते हैं जिसके बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जिक्र किया था। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी सकारात्मक विचार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते थे, हमारा मेंटल स्टेट और थॉट्स हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स समर्पण, आत्मविश्वास और सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारण। वे सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करने की आवश्यकता है। पैसे कमाने के लिए भी हमें जानना होगा कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए कठिन मेहनत करनी होगी, तभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर पाएंगे। उस बारे में लगातार सोचते रहना होगा। नंबर 3, सेल्फ स्टडी एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसे सही तरीके से अपने जीवन में अचीव करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर मर्फी टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ स्टडी के बारे में बताते हैं। नंबर 4,
पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सकारात्मक आत्मविश्वास। डॉक्टर मर्फी का यह मानना था कि सकारात्मक आत्मविश्वास सफलता की ही कुंजी है। हमें खुद पर यकीन रखना होगा कि हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, हम इसके लायक हैं, हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक आत्मविश्वास रखने से हमारे भीतर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते हैं और यही पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे भीतर हमारे अवचेतन मन को स्ट्राइक करती है। नंबर 5, कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस। मर्फी कहते थे कि हमारी एबिलिटी सिर्फ हमें अपने ऊपर नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि हमारी यही एबिलिटी की वजह से दूसरों की भी मदद होनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक सेवा और सहयोग के माध्यम से हम समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें भीतर से हमेशा सकारात्मक बनाए रखता है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि बहुत से अच्छे लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके मन की शक्ति और विचारों और विश्वासों के प्रभाव पर आधारित है। लोगों की नकारात्मक विश्वास लोगों को सफलता से दूर रखता है। अगर कोई गहरे में मानता है कि वह सफलता के पात्र नहीं है, तो वह अपने प्रयासों को अज्ञात रूप से बाधित कर सकता है। उसे ये पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो अपने रास्ते से भटकता रहेगा। फियर और डॉट भी यानी डर और संदेह भी व्यक्ति के भीतर सफलता और अच्छे अवसर को आने से रोकती है। मर्फी कहते हैं कि आपकी ये भावनाएं नकारात्मक सोच की एक चक्र बना सकती है, जो प्रगति और सफलता को रोक सकता है। इसलिए अपने जीवन में डर और संदेह को दूर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे सही तरीके से विश्वास रखें कि ये आपके जीवन में लगातार काम कर रहा है। आपका अवचेतन मन 24 आवर आपके भीतर काम कर रहा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारे भीतर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के अनुसार ही बनते चला जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमारे बचपन से हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर को आकार देते आ रहे हैं, जो कि हमें सफल होने से बाधित करता है। मनुष्य की यहाँ पर और एक सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं है, भले ही वो कंफर्ट जोन उनके लिमिटिंग पोटेंशियल को बनाती है, मतलब उनके पोटेंशियल को रोकती है, फिर भी मनुष्य अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते। उस जगह पर अगर सफलता पानी है तो उन्हें अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं और अपनी लिमिटिंग पोटेंशियल लिमिटिंग बिलीव्स को अनलिमिटेड करके आप सफलता को पा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर मर्फी बार बार कहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए, और वो भी पॉजिटिव थॉट्स बिलीव्स एंड अफर्मेशंस के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न्स को अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप सक्सेस में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। उस वक्त अपने जीवन में आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं जो कि आपको सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।